तो आज सिर्फ मैं पानी पीऊंगा। मैं कितने पुशअप्स मार सकता हूँ एक सेट में? तो अभी फिलहाल सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं अभी उठा हूँ 1 घंटे पहले, मतलब तो मैं फ्रेश हो चुका हूँ, मतलब नहा भी लिया है मैंने, ठीक है। तो आज सिर्फ मैं पानी पीऊँगा, बेसिकली मैं पानी और चाय ही पीने वाला हूँ और मैं लिक्विड में और कुछ नहीं रखने वाला, ठीक है। तो देखते हैं कैसा जाता है मेरा दिन, जो भी मेरे को फील होगा मैं आपको शेयर करूँगा। एंड लेट्स स्टार्ट। तो फिलहाल थोड़ा सा पानी के अलावा मैंने अभी तक कुछ नहीं पिया है, तो अभी फिलहाल मैं पीने जा रहा हूँ चाय। तो लेट्स मेक चाय। तो भाई जब तक चाय बन रही है तब तक कुछ बात कर लेते हैं। तो यार मेरा खुद का मन था कि मैं एक बार ट्राई करूं कि मतलब कैसा फील होता है अगर मैं एक दिन सिर्फ पानी पीता हूं, ठीक है, लिक्विड डाइट रखता हूं और कुछ खाता नहीं हूं, ठीक है। तो इसलिए मैं कर रहा हूं चैलेंज। तो चाय ये रही हमारी और अब देखते हैं कि मेरे को कब भूख लगती है। लेट्स सी। चाय मस्त है यार। खीरा खा रहे है? नहीं मैं नहीं खा रहा। अरे खीरा कुछ नहीं होता। जरा पानी लेने जाओ और आपकी नज़र यहाँ पड़ जाए और अभी आप सिर्फ पानी पी सकते हो तो कैसा लगेगा? तो लगभग 3 बजे मैंने अपना लंच करा था, लंच में वही मैंने चाय पी थी तो इसलिए मैंने कुछ दिखाया नहीं। उसके बाद मैं सो गया और मैं अब उठा हूँ। अभी टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं तो वर्कआउट का टाइम हो रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कि वर्कआउट में कुछ मेरे को दिक्कत होती है क्योंकि मैंने सुबह से एक चीज़ भी नहीं खाई, ठीक है, बस लिक्विड पे मैंने सुबह से अभी गुजारा करा है अपना। उसके बाद देखते हैं कि मैं कर पाता हूँ कि नहीं। वर्कआउट में वो क्या दिक्कत होती है, ऑब्वियसली आधे कर तो लूँगा वर्कआउट, पर देखते हैं कि क्या होता है, उसके बाद मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करूँ। तो अब हम जा रहे हैं ऊपर एक्सरसाइज करने, योगा मैट मैं ले चुका हूँ तो उसके बाद अब हम चलते हैं ऊपर। तो हम भाई योगा मैट लेके आ चुके हैं। अरे यार पानी की बोतल लाना मैं भूल ही गया। तो भाई हमने बोतल ले ली और अब हम दोबारा चलते हैं। पानी की बोतल ही अब आ चुकी है तो अब बिना किसी वेस्ट ऑफ टाइम के हम करते हैं वर्कआउट शुरू। जस्ट पुशअप मारने जा रहा हूँ जो नॉर्मल पुशअप मारता हूँ मैं। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि लॉकडाउन से पहले जब मैंने एक्सरसाइज नहीं स्टार्ट करी थी तो सिर्फ मैं 10 पुशअप्स कर पाता था। तो अब देखते हैं कि 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद मैं कितने पुशअप्स मार सकता हूँ एक सेट में। चौबीस से 25, इट्स गुड गाइज। देखो यार आप देख सकते हो चांद, मौसम बड़ा ही सुहाना हो रहा है। पता नहीं मैं आ रहा हूँ कि नहीं पर मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है। तो गाइज मैं नीचे आ चुका हूँ जैसे कि आप देख सकते हो, मेरे को 2-3 घंटे हो चुके हैं आए हुए और अभी फिलहाल 9 बज रहे हैं। तो भाई बात कर लेते हैं मेरे को क्या क्या चीज़ें फेस हुई। तो पहली चीज़ ये थी जब मैं एक्सरसाइज कर रहा था तो मेरे को स्वेटिंग ज़्यादा हो रही थी बिकॉज जो वाटर का इंटेक था वो ज़्यादा था। सेकंड चीज़ ये थी कि भाई मेरे को ना चिड़चिड़ापन हो गया था और मेरे को गुस्सा बहुत आ रहा था। तो जो थर्ड चीज़ थी वो ये थी कि मेरे सर में दर्द हो रहा था भाई, हल्का फुल्का था पर शायद वो इसलिए था कि मैंने कुछ खाया नहीं था। तो बात करते हैं कॉन्क्लूजन की, क्या यार आपको ट्राई करना चाहिए? तो मैं पर्सनली आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि यार मत ही करो, कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है ना। बाकी ये है कि
आपकी मर्जी, अगर आपको करना तो कर सकते हो, एक दिन के लिए तो कोई इतना इशू नहीं होगा, अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो कर सकते हो।